बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए विवाद को लेकर अब जामिया की वाइस चांसलर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। नजमा अख्तर ने कहा कि जो हुआ सड़कों पर हुआ, ये एक छोटी सी घटना थी जिसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी थी। कल की घटना हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी नहीं हुई, एक कोशिश हुई थी जिसको पूरी तरह असफल कर दिया गया, और उन लोग कैंपस के अंदर कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुई। जो हुआ होगा सड़क के ऊपर हुआ, और वो पुलिस और उन लोग के जो बाहर से आए थे लोग उनको हेल्प करने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर चले गए थे, और वहाँ एक छोटी सी घटना हुई है जिसको आप लोग न्यूज़ वाले बहुत ज़ोर शोर से दिखा रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई घटना नहीं हुई। हमारी प्रिकॉशंस बहुत अच्छी थी। आपने कहा हम बाहर से लोग आए थे, जहाँ कल एक दिन पहले जो घटना हुई थी वहाँ उन्होंने कहा कि कई लड़के जामिया से आए थे, उन्होंने फोटो हमारे देखिए, अगर जामिया के दो तीन लड़कों ने यहाँ कोशिश की थी एक SFI के ग्रुप के नाम पे, वो लड़के भी जब बाहर गए होंगे उनके साथ ही आ गए होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो आए थे, आई हैवंट सीन इट, सो इसलिए मैं तो आपकी ही न्यूज़ देख के समझ रही थी कि कोई और लोग होंगे, बट आई एम श्योर। क्या कोई रिपोर्ट वगैरह आपने मांगी या कुछ कोई जांच आपकी तरफ से? हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कैंपस के अंदर की, कैंपस के बाहर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इससे पहले नजमा अख्तर ने कहा था कि SFI जैसा एक छोटा समूह जिसका कोई अनुयायी नहीं है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, हम इस तरह के आचरण को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद परिसर में शांति और सद्भाव को बिगाड़ना है, मैं किसी भी कीमत पर इस तरह के व्यवहार की अनुमति नहीं दूंगी। आपको बता दें कि वाम समर्थित छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI ने घोषणा की थी कि वो बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को शाम 6 बजे जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में दिखाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में BBC की डॉक्यूमेंट्री के लिंक को सोशल मीडिया मंचों से हटाने को भी कहा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Gracias.